हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज की इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपके छोटे भाई के चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो भाई अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा के बारे में। तो भाई टाटा ने सोच लिया है कि अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको ईवी में कन्वर्ट कर देगा। हाल फिलहाल टाटा की 2 या 3 कार्स ही आ रही है ईवी सेगमेंट में। अब टाटा सफारी काफ़ी जगह टेस्ट होते हुए देखी गई है। तो आज की इस वाली वीडियो में वही बात करने वाला हूं क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं टाटा सफारी ईवी में और क्या क्या चेंजेस होंगे इंटीरियर वगैरह में। तो भाई सबसे पहले अपन इसके बात कर लेते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में। तो भाई डिज़ाइन लैंग्वेज इसके फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो भाई फ्रंट में इसकी ग्रिल चेंज है, वहाँ पियानो ब्लैक ग्रिल आ जाएगी और टाटा का लोगो आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। सेकंड अपन बात कर लेते हैं तो इसके साइड में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। साइड में डिज़ाइन लैंग्वेज वही रहने वाली है, कट्स एंड क्रीजेस भी वही रहने वाले हैं। चेंज जो है इसका अलॉय का चेंज है, थोड़ा एयर एफिशिएंट अलॉय आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एयर एफिशिएंट, ताकि इसकी कोई रेंज बूस्ट हो जाए और एरोडायनेमिक रहे गाड़ी। रियर से अपन बात करें तो भाई इस गाड़ी में रियर से कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है, मेजर चेंजेस कोई नहीं। बस नीचे जो सफारी की इम्बोर्सिंग आती है उसकी जगह सफारी ईवी हो जाएगा, बस उससे ज़्यादा कोई चेंजेस इस गाड़ी में नहीं रहने वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट में इंटीरियर। इंटीरियर की बात करें तो भाई इंटीरियर में जैसे कि आपको लेदर अपोस्ट्री वो मिलेगा ही लेदर अपोस्ट्री। अब इसमें एक नया ऑप्शन आएगा 4x4 का। तो भाई आगे और पीछे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक मोटर प्लेस की जाएगी, जो कि मतलब थोड़ी रेंज भी कम करेगी, पर आपको 4x4 टेक्नोलॉजी मिलेगी जो अब इसको ऑल व्हील ड्राइव भी बनाएगी और इंडिया की सबसे पहली ऑल व्हील ड्राइव 4x4 कहीं भी जाएगी टाटा सफारी। अब भी जो फीचर आ रहे हैं वो तो इस गाड़ी में रहेंगे ही, और जो एक्सटर्नल फीचर है जैसे इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि मतलब काफ़ी लेगी है, इसका कैमरा भी अच्छा नहीं है। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, नया आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्मूथ होगा, और काफ़ी मतलब जो अभी इसका एप्पल कार पे छोटी सी डिस्प्ले में आता है वो अब बड़ा हो जाएगा, और इसकी डिस्प्ले साइज़ भी बड़ी की जाएगी। 10.10 इंचेस के लगभग इसकी इस डिस्प्ले साइज नई वाली रहने वाली है। तो आया था भाई अपन इसके कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड फीचर्स के बारे में। तो भाई आपको इसमें बैटरी रीजनरेशन मिलेगा ताकि जो कि इसकी रेंज काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। एक्सपेक्टेड है कि इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक रहने वाली है, जो कि मतलब काफ़ी कम भी हो सकती है, आपके चलाने की स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। और अपन बात कर लें इसके कुछ जैसे लॉन्च के बारे में। तो भाई लॉन्च इसका 2023 के बाद ही डेब्यू होगी गाड़ी, क्योंकि ईवी है अभी तो इसका टेस्टिंग फेज चल रहा है, एक्सपोर्ट की गई है अभी तो काफ़ी जगह, अभी तो इसका टेस्टिंग फेज खत्म होगा, फिर फाइनल प्रोडक्शन में आएगी गाड़ी, फिर इसका डेब्यू करेंगे कंपनी वाले। तो अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्च होने में। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।